तो ये गेम और हम खेलने वाले हैं दोबारा से अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। तो जैसे कि तुम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम गए थे वेस्टर्न घाट्स के अंदर और हमने वहाँ पर बहुत ही सारे डिस्क इकट्ठा करी थी और हमको उन डिस्क के बदले मिला था एक रूबी का नेकलेस। और हम गए थे 3 टावर्स में और हमने वहाँ के पजल सॉल्व करे थे और हमारा मेन गेट जो था वो खुल गया था और अंदर हमको दिखी थी 2 गणेश भगवान की बहुत ही बड़ी मूर्तियां और उनमें से 1 क्राउन के अंदर 6 रखा था। तो उसी क्राउन के अंदर जाकर देखने वाले हम की क्या मिलता है हमको। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करता तो इसे लाइक कर दो और अगर तुम चैनल पर हो तो इसे सब्सक्राइब करो चैनल को। चलते हैं वीडियो की तरफ। तुम देख पा रहे हो यहाँ पर हमको 2 गणेश भगवान की मूर्तियां मिली थी और यहाँ पर एक क्राउन में 6 हो रखा है। तो आज हम उसी छेद के अंदर जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई टेंपल वगैरह होगा बड़ा सा, पर वो नेचर के दायरे में आ चुका है शायद से अब। और यहाँ पर कोई पुराने जमाने का डैम बन रखा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो बहुत ही बड़ी दीवार लग रही है और डैम है कोई ये। यहाँ पर भी तुम देख पा रहे हो रास्ता होगा कोई जाने का, यहाँ पर सीढ़ियां हैं नीचे। तुम नीचे देख पा रहे हो कुछ डूब भी रखा है शायद से वहाँ पर। ओ तुम वहाँ पर भी देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कोई स्ट्रक्चर है भाई, बहुत ही ज्यादा बड़ा। जो गणेश भगवान की मूर्ति है उसके नीचे तुम देख पा रहे हो कि बहुत ही ज्यादा कुछ बन रखा है पर वो झरने में डूब चुका है पूरा अब। तो शायद से वहाँ तो हम जा नहीं पाएंगे, हमको जाना पड़ेगा उनके क्राउन की तरफ। ओके मुझे यहाँ पर रस्सी फेंकनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा इधर से उधर, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क होने वाला है पर करना तो पड़ेगा। 1 2 3 लेट्स गो। यस और यहाँ पर पानी बह रहा है तो बहुत ज्यादा कच्ची दीवार हो सकती है, यहाँ पर टूट सकती है कभी भी दीवार। मैं बहुत नजदीक आ चुका हूँ यहाँ पर मूर्ति की और बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है भैया सामने से देखने में तो। और चिड़े भी बैठी हुई है उनके हाथ में। यहाँ से फोटो ले लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि हम यहाँ पर आए थे। याद तो रहेगी पर फिर भी फोटो लेने में मजा आता है मुझे तो बहुत ज्यादा। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर लाइट जल रही है, इसका मतलब ट्रेजर मेरे पास है। रूबी का जो नेकलेस है वो जलता है जब ट्रेजर हमारे पास होता है कोई। यहाँ पर कुछ है क्या? ओ यहाँ पर कुछ है। यस यहाँ पर कोई केतली है या फिर क्या है ये, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो हमारा नेकलेस ऐसे ही काम आने वाला है, हमारे टाइजर हमको फाइंड करके देगा खुद ब खुद ये। अब यहाँ से मुझे रस्सी लेके कूदना है शायद से गणेश भगवान के हाथ में। चलते हैं 1 2 3 लेट्स गो। लगता है मुझे यहाँ से बूस्ट लेना पड़ेगा। 1 2 3 लेट्स गो। यस भाई टूटने जैसा हो रहा है जगह ये। अब उनके हाथ में आ चुका हूँ मैं गणेश भगवान के, देखो तुम। और बहुत ही बड़ी है भाई ये दोनों मूर्तियाँ। पत्थर को कार्व करके बनाई होगी पर बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी होगी करने में इसको। ओए यहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से टूट सकता है शायद से स्ट्रक्चर है मेरा पर। ओए इसका डर था वही, टूट ही गया वो। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा पुराना है यहाँ पर और पानी भरा शायद तब टूटने वाला है ये। ओके मैं आ चुका हूँ दूसरे हाथ में गणेश भगवान के और हाथ से ऊपर जाना पड़ेगा शायद से मुझे। चलो यस बहुत ज्यादा रिस्क वाला स्टंट है ये। ओके फाइनली हम एक मूर्ति साथ चुके हैं दूसरी मूर्ति में और क्राउन में जो यहाँ पर गड्ढा हो रखा था शायद वो उस वाली मूर्ति में हो रखा था भाई। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्ट्रक्चर है, तुम देख पा रहे हो कि अंगूठियां भी इन्होंने कार्व कर रखी है, बहुत ही ज्यादा डिटेल वाला स्ट्रक्चर है ये। वहाँ कूदना पड़ेगा मुझे ऊपर की ओर। 1 2 3 लेट्स गो। पकड़ ले। यस फाइनली। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर कोई आर्मी वाला दिखा नहीं है जो प्राइवेट आर्मी थी वहाँ पर उनके पास तो शायद से हेलीकॉप्टर वगैरह होंगे, उनको क्राइम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी शायद से मेरे हिसाब से तो। ओके मैं आ चुका हूँ बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में यहाँ पर और यहाँ पर गणेश भवन का एक्स बन रखा है शायद से, गणेश भवन के हाथ में हूँ ना मैं। यस ओके ओए भाई बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पर नीचे, जाना पड़ेगा मुझे इससे ऊपर चढ़ के। अरे नडीन रुक जा थोड़ी देर। यस मैं जाऊंगी पहले, तू नीचे ही रह ले। मैं ऐसा नहीं, तेरे को हाथ देना तो दे सकती हूँ मैं। ओके व्यू देखो तुम यहाँ का, कितनी बार देखेंगे हम व्यू यहाँ का पर फिर भी हम थकेंगे नहीं व्यू देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग व्यू है भाई, अमेजिंग। ओके अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। यहाँ से जाने का रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा है पर यहाँ पर रस्सी डाल सकता हूँ मैं ऐसे करके। यस अब कहाँ कूदना है मुझे। ओए 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 आगे भी रस्सी डालनी पड़ेगी मुझे यहाँ से चाहे। 1 2 3 यस और अब मुझे कूदना है यहाँ पर। तो फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ और तुमको बताया था जैसे मैंने यहाँ पर डैम था, तुम देख पा रहे हो कि डैम ही है भाई यहाँ पर कोई। और यहाँ पर टेंपल टाइप में कुछ बन रखा है पर शायद से अब नहीं है टेंपल यहाँ पर, क्योंकि काई वगैरह जम चुकी है उसके ऊपर। चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर और मैं शायद से क्राउन के बहुत ज्यादा पास हूँ। ओके ये रहा हमारा क्राउन का छेद और चलते हैं इसके अंदर। 1 2 3 लेट्स गो। भाई बहुत ही गहरा है ये। अच्छा नहीं इतना गहरा नहीं है, इसके अंदर भी कुछ बन रखा है भाई, बाहर से तो था ही अमेजिंग है पर इसके अंदर भी कुछ है। ओके तुम देख पा रहे हो यहाँ पर किसी ने अटैक कर रखा है गणेश भगवान के ऊपर, यहाँ पर एक कोई गोला फेंक रखा है शायद से। तुम देख पा रहे हो यहाँ पर छेद है, जो वो छेद शायद से इसी के कारण हुआ होगा, जो तोप के गोले नहीं आते वो है गोला नीचे रखा हुआ। और इन दोनों की नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर पर्शियंस लोगों ने अटैक कर दिया था तो शायद से उन लोगों ने फेंका होगा ये गोला, या फिर जो टूटर पूट रखा है उन लोगों ने डोरा फोड़ा होगा यहाँ पर ये। चलते हैं और अंदर और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कुछ बन रखा है अंदर ही। ओके भाई यहाँ तो कितनी बड़ी मूर्ति बन रही है, दो दो भाई यहाँ पर।
गणेश भगवान को अटैक कर रहे हैं परशुराम। यहाँ देख पा रहे हो तुम परशुराम ये बन रखे हैं और गणेश भगवान नीचे हैं हमारे। ओके मैं गणेश भगवान के ऊपर हूँ और तुम देख पा रहे हो परशुराम ये रहे हमारे और गणेश भगवान ये हैं। भाई दिमाग ब्लो हो गया मेरा, मतलब गणेश भगवान के अंदर भी ऐसे कुछ बन रखा है। बाहर से तो था ही अमेजिंग स्ट्रक्चर, ये अंदर से भी इतना ज़्यादा अमेजिंग है ये। पर कोई बात नहीं, हम ज़्यादा देर तो यहाँ रहेंगे नहीं, हम चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ से नीचे जाने पे लगता है कुछ था यहाँ पर पर्शियंस लोगों ने, जैसे तुमको बताया मैंने, पर्शियंस लोगों ने अटैक करा यहाँ पर और सब कुछ तोड़ दिया यहाँ पर। यस डैम का जो पानी था शायद से वो भी अंदर आ रहा है, तुम देख पा रहे होगे। फोटो तो खींचनी पड़ेगी भाई इसकी, तुम देख पा रहे होगे बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, पर तुम देख लो। ओके चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर और यहाँ पर भी तुम देख पा रहे हो स्टेयर्स थी कोई यहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर पर्शियंस लोगों ने अटैक कर रखा था, तुम देख पा रहे हो कि गेट भी यहाँ पर बंद कर रखे हैं सारे के सारे। तो किसी ज़माने में शायद से यहाँ पर लड़ाई हुई होगी भाई, पर अभी तक इतने साल हो गए इस एम्पायर को और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है टूटा नहीं है बिल्कुल। वो पानी भी आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर घास वगैरह भी जम गई है पर टूटा नहीं है बिल्कुल कुछ भी। रास्ता कहाँ से हो गया यहाँ से बाहर निकलने का? अच्छा यहाँ पर कोई छेद है भाई, टूट रखा है यहाँ पर कुछ चीज़। ओहो यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बन रखी है शायद से। ओह यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तुम देख पा रहे हो स्केलेटन है बहुत सारे यहाँ पर। पर्शियंस लोगों ने हॉइसलार के ऊपर अटैक कर रहा होगा तभी जब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा सैनिक के शव पड़ रखे हैं। शव मतलब स्केलेटन शायद से। यहाँ पर फॉग भी जम रखा है बहुत सारा, तो बिल्कुल भूतिया जगह लग रही है मेरे हिसाब से तो ये। मुझे तो कोई भूत ना दिख जाए बस हमको यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा हड्डियाँ हैं यहाँ पर भाई, स्केलेटन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यस दोबारा से मेरे यहाँ पर नेकलेस चमक रहा है, शायद से कुछ और यहाँ पर आसपास ट्रेजर हो सकता है। ओके यस यहाँ पर ट्रेजर है और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो एक और गेट है, जैसे हमको पहला गेट मिला था ना टेम्पल में एक, वैसे एक और गेट यहाँ पर भी है। इसको भी घुमाना पड़ेगा शायद से और ये खुल गया है। यस खुल गया ये वाला गेट। ओ आग लग गई भी हमारे आते हैं यहाँ पर, बहुत ही सारे सैनिक भी यहाँ पर मर रखे हैं। अजीब सा कमरा है भाई, किस कमरे का पर्पस क्या होगा मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है। जो चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन पड़ रखे हैं और कितने स्केलेटन ऐसे भी होंगे जो गल गए होंगे, तो वो तो हमको दिखेंगे भी नहीं। पर चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। वो यहाँ पर और भी है, ओ हिल रही है भाई ये जगह, बहुत ही सारे स्केलेटन है यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी जब हुई होगी लड़ाई वो, तुम खुद देख पा रहे हो बहुत ही सारे यहाँ पर स्केलेटन है यार। दोबारा से मेरे यहाँ पर नेकलेस ग्लो कर रहा है तो शायद से आसपास कोई ट्रेजर हो सकता है मेरे। यस ये रहा, ये क्या है? वो यहाँ पर पाम लीफ की मैन्युस्क्रिप्ट है कोई, इसके अंदर कुछ लिखा हो सकता है पर हम बाद में पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर कोई शायद से रास्ता था जाने का पर यहाँ पर टूट चुका रास्ता, पर जाना तो पड़ेगा हमको यहाँ पर सुकड़ सुकड़ के, स्केलेटन को हटाना पड़ेगा। हटिए यहाँ से महाराज, ओ गिर गया। कोई बात नहीं चलते हैं यहाँ से अंदर की ओर और देखते हैं कि क्या है गेट के आगे। और भी स्केलेटन है यहाँ पर तो निकलिए, और कुछ ना कुछ ट्रेजर तो यहाँ पर होगा जो ये सारे सिपाही लेने आए होंगे और मर गए रास्ते में आते आते ये। पर वो तो जाके पता चलेगा यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो, पर जाके देखते हैं। ओ ये क्या है? Well, that's different. यहाँ पर कोई पहेली टाइप में यार। Okay, on the left we have Shiva gifting Parashurama. Okay, यहाँ पर शिवा ने परशुराम को एक्स दिया गिफ्ट में। यहाँ पर परशुराम ने गणेश भगवान के टस्क तोड़ दिया एक्स से। और तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही सारी शेडोज बन रही है, तुम देख पा रहे हो कि शिवजी भगवान की भी, परशुराम की भी और गणेश भगवान की भी यहाँ पर बहुत सारी शेडोज बन रही है। तो उन शेडोज का हम कुछ पेंटिंग है ना उनके संग अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके शायद से जो आगे डोर है वो खुल जाएगा। तो मैं मिलूंगा तुम लोग के पूरे का पूरा पजल सॉल्व करने के बाद, क्योंकि अगर मैं तुमको दिखाने बैठा है तो तुम बोर हो जाओगे। यस हो चुका है, यस फाइनली बिल्कुल आधे घंटे बाद मैंने कर लिया यहाँ पर पूरे का पूरा पजल सॉल्व। हमको शेडो तुम देख पा रहे हो अलाइन करनी थी, मैंने कर दिया पूरी शेडो। और अगर तुमको अभी तक नहीं पता है कहानी क्या चल रही है, तो शिवजी भगवान ने परशुराम को यहाँ पर एक एक्स दिया था और उसी एक्स से परशुराम ने गणेश भगवान की टस्क काट दी थी। यहाँ पर कोई टाइगर की फोटो है यहाँ पर और हॉइसलर एम्पायर रियल है, मैंने देखा था रियल है हॉइसलर एम्पायर और उन लोग की यहाँ पर ऐसी फोटो मिलती है तुम लोग को। तो देखते हैं बटन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डिस्क हमारी दोबारा से काम आने वाली है, लगा के देखते हैं। इसको लगाना तो पड़ेगा हमको। ओ गेट बंद हो गया भाई, आग जल गई यहाँ पर। ओए डिस्क चली गई हमारी अंदर और कुछ तो यहाँ पर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ओए शिवजी भगवान की यहाँ पर फोटो बन के आ गई है डिस्क है मतलब कोई। यस निकाल सकते हैं हम इसको। ओ पानी भर रहा है यहाँ पर शायद से, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ खुल रहा है गेट यहाँ पर। अच्छा हम ऊपर जा रहे हैं शायद से, ऊपर का गेट खुल रहा है भाई। The tusk was never here at all. क्या? So where's below? शायद टस्क यहाँ पर थी नहीं कभी भाई। ओ ये क्या हो रहा है भाई?
पूरा प्लेटफॉर्म जा चुका है मेरा, पूरा प्लेटफॉर्म टूट गया। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता तो वहाँ पर ही दिख रहा है मुझे, और ये टूट रही है पूरी जगह भाई, पानी भी बह रहा है। जितने स्ट्रक्चर हमने देखे अभी तक सारे सारे स्टेबल थे, और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वही अनस्टेबल निकल गया। कहाँ कूदूँ मैं, कहाँ कूदूँ। यस, अरे टूट रहा है। ओए जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से, पानी भी बह रहा है भाई। ओए ए, पानी के बहाव से मैं जा चुका हूँ नीचे, आराम आराम से जाना पड़ेगा ऊपर जल्दी। यस, ओ सब कुछ टूट चुका है यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। और हम आ चुके हैं झरने के ऊपर शायद से वाले, और इन दोनों के हिसाब से शायद से टस्क यहाँ पर कभी थी ही नहीं, क्योंकि हौसलार एम्पायर को पता था कि पर्शियंस यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने फालतू में बना रखा है सारा स्ट्रक्चर ये, और जो भी बना रखा है अमेजिंग बना रखा है भाई। ओ पानी पूरा जा रहा है भाई, कहीं और जा रहा है पानी यहाँ से भाई, जो भी कहो जगह तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना रखी है इन लोगों ने, और पानी पूरा का पूरा कहीं और जा रहा है भाई, ये कहाँ जा रहा है वो तुमको पता है नहीं, पर कोई ना कोई चीज़ एक्टिवेट हो गई होगी तभी जा रहा है पानी। और ये है वो डैम जिसकी बात कर रहा था मैं, उस डैम के ऊपर ही खड़े हैं हम, इसके ऊपर भी बहुत ही बड़ा झरना है यहाँ पर, तुम देख पा रहे हो कि बहुत ही कहीं और से आ रही नदी भाई ये, हाँ वहीं कहीं थे शायद से शुरुआत में हम। चलते हैं अब आगे की ओर और देखते हैं कि टास्क हमको मिलती है या फिर नहीं मिलती है, और कहाँ मिलती है अगर मिलेगी तो। यहाँ पे किसी की आवाज़ आ रही है भाई, ऊपर दो बंदे आ गए, इन लोगों को कैसे पता चलता कि हम हैं कहाँ पर यार, दोबारा आ गए आर्मी वाले। ऊपर और ज्यादा बंदी भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी घूम रहा है, हट। ओ यहाँ पर कोई टेंपल है ना, ओ देख लिया इन लोगों ने मुझे, हट। इतनी बड़ी वैन ला गए हैं भाई ये लोग, इतने बड़े स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे क्या ये सब, ये चीज, ये पुरानी चीजें सब तोड़ देंगे भाई मेरे हिसाब से तो। ये गिर गया मैं नीचे, चलो उस वैन को कैसे हराएंगे यार हम, इतनी बड़ी वैन भी नहीं है वो, पता नहीं क्या है भाई वो, इतना बड़ा टैंक टाइप में है कुछ, और पुरानी जगह में ऐसी चीज़ें लाना बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है क्योंकि टूट सकती है पूरा स्ट्रक्चर है भाई। ओ गाड़ी इन लोग की यहीं पर ही है भाई, ये कभी तोड़ सकती है वाली दीवार भी, इन लोग की गाड़ी ये मेरे सामने आ गई, ये जिसका मैंने कहा था टूटने वाला है कोई चीज़। यस रस्सी पकड़ ली फिलहाल तो मैंने, और नडीन कहाँ गई, अच्छा बोरी नडीन बजाना पड़ेगा उसको, अकेले लड़ रही है वो, अच्छा मार दिया उसने भाई, बहुत लड़की है बहुत। गेट है यहाँ पर कोई, चलते हैं इस गेट को धक्का देते हैं अंदर। यस यस, ओ ये कौन सी जगह है भाई, ऊपर ही गाड़ी घूम रही है लोग की, कभी भी गिर सकता है पूरा का पूरा जगह ये। ओ ये क्या बन रखा है, मूर्तियां बन रही है बहुत सारी यहाँ पर हौसलार एम्पायर की, यहाँ पर भी बहुत सारे कंकाल हैं, नहीं जेल है शायद से कोई ये, हाँ भाई जेल है कोई ये। बाहर चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या है। ओके यहाँ पर रास्ता तो बाहर जाने का दिख रहा है मुझे, चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। ओ क्या कर रहे हैं गाड़ी वाले यार ये, ओके गाड़ी के अंदर कोई है, वसाब है शायद से यहाँ पर, जो कि इन लोग का मेन बॉस है शायद से, आर्मी का पूरा शायद से नहीं है वो बॉस इन लोग का। डिस्क मेरी भाई, तूने करा क्या आज तक, कुछ करा नहीं, तू चुरा रहा है चीजें बस साले। अबे शूट करने वाला है क्या हमको, शूट मत कर बे, इसी गन पकड़ फेंको यहाँ से, आजा 1v1 कर मेरे संग तो लड़ाई। ये तो मजबूत निकला भाई, दिखने में तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है ये, बहुत ही तेज मार रहे है तो, लड़कियों से लड़ रहा है तू, हट डिस्क वापस दे। अबे ओ ओ हट, ओए हट हट हट, यू मस्ट फर्स्ट सो चाओस, I will incite my civil war. Stamp out the weak bloodline of the young king. Starting with you. Okay, अच्छा हुआ हम दो जने हैं, वरना मुझे तो मार ही देता ये। हट। अबे कहाँ बंदे आ गए, हट भाई हटो। निकल। तो पानी फेंक देना था इसके पीछे, पानी बह रहा है, हम ही चले गए पानी में, वही पानी जो हमने एक्टिवेट करा था ऊपर से, वही वाला पानी है ये, कहाँ ले जाएगा हमको अब ये। ओके रास्ता तो मुझे दिख रहा है इसे जाने का, कहीं रस्सी यहाँ पर पकड़ने के लिए। ओके ओके जिंदा तो हूँ मैं, जिंदा हूँ भाई, आधे घंटे से मैं बेहोश हो रखा था, और शिवजी भवन का डिस्क भी मार जा चुकी है वसाब के पास, जो कि नहीं होनी चाहिए उसके पास। तो मेरा सारा सामान यहाँ पर जा चुका है, रस्सी है सिर्फ मेरे पास अपनी, और गन वगैरह भी नहीं मेरे पास। अगर आगे चल के बंदे दिखते हैं मुझे तो हाथ से मारना पड़ेगा उन लोग को। ये जगह है कौन सी,
ओके, यहाँ पर दो मूर्ति दोबारा से दिखाई दे रही है हमको। हम इस साइड आ चुके हैं पानी के बहाव से। ओके, चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। यहाँ पर जंगल है पूरा का पूरा भाई। यहाँ पर कोई लीवर है जंगल के अंदर बीचों बीच, बड़ा सा कोई गेट है शायद से। ये लीवर है यहाँ पर कोई, घुमाना पड़ेगा शायद से इसको। ओके, गेट खुल गया है हमारा घुमा के। और यहाँ पर नंदी महाराज है हमारे यहाँ पर। ओह, यहाँ पर दोबारा आ चुका है हमारा वसाब। ओह, उसके पास एक बंदा है जो कि हमारा दोस्त था पहले जमाने में, और नदीन को धोखा दे रखा था जिसने। सैम नाम है उसका। ओह, हमारे संग जुड़ रखा है ना सैम, तब भी हमसे चिढ़ रही है शायद से। गुस्सा वाली बहुत है भाई नडीन ये। पर सैम ने हमको डिस्क दिया थी शुरुआत में इसके अकॉर्डिंग। ओ अबे यार, गाड़ी लेके चले गई है यार ये। अगर सैम दिखता नहीं ना इसको तो शायद से हम ठीक रहते हैं अभी। तो हमारी जो ये कैरेक्टर है क्लोई फ्रेजर, इसका दोस्त है सैम जो कि हमको वहां दिखा था वसाब के संग अभी। और नेडीन जो हमारे संग अभी तक घूम रही थी, उसकी सैम के संग पुरानी दुश्मनी है एक। तो नेडीन हमसे नाराज हो गई है कि तुम सैम को क्यों ले गया यहाँ पर, और जा चुकी है हमको छोड़ के ऑब्वियसली। पर कोई बात नहीं, आगे तो जाना ही पड़ेगा मुझको, और तुमको अभी तक पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये वाला मेन गेट है जहाँ से हम गए थे शुरुआत में अंदर। इसी गेट को हमने पिछली वीडियो में खोला था और हम आ चुके हैं दोबारा से बाहर। और नंदी महाराज हमारे पहले नहीं थे यहाँ पर, अब आ चुके हैं भी। तो जहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति है वहाँ जाना पड़ेगा हमको, और देखना पड़ेगा कि उसके आसपास कोई गेट खुला है या फिर नहीं खुला, क्योंकि वो मूर्ति अभी आई नीचे से, और वहाँ पर गेट हो सकता है कोई। और गणेश भवन की टास्क भी वहीं पर ही हो सकती है शायद। और अगर गुंडे वगैरह मिल गए मुझे तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि गन वगैरह भी नहीं है मेरे पास। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है भाई। ओ, चोट भी लग रही है मेरे को। जाके देखते हैं इसके अंदर। ओ, यहाँ पर गन है, गन ले सकता हूँ मैं। और यहाँ पर C4 भी है। यस। ओ, किचड़ यहाँ पर, गाड़ी फट गई उसकी। ओ ओ ओ, ओ भैया, इन लोगों का यहाँ पर टैंकर आ गया दोबारा भैया। वो रही नेडीन वहाँ पर लड़ रही अकेले वो। और गाड़ी कैसे फटी भैया हमारी, चोट वगैरह तो नहीं लग गई ना उसको? अरे गाड़ी रेंट की थी हमारी, तो किराया देना पड़ेगा पूरी गाड़ी का अब लगता है। मजाक का समय नहीं है अभी, इन बंदों को मारना पड़ेगा पहले मुझे। हट। चलो, पिस्टल तो आ चुके हैं मेरे पास, पर साइलेंस वाली पिस्टल नहीं है ये। ये आवाज़ करेगी बहुत तेज। यहाँ पर एक क्रेट और जिनकी, इसके अंदर मेरे काम का सामान हो सकता है, पर मैं खोलूँ कैसे इसको यार, इनकी गाड़ी घूम रही है पूरी जगह यार। ओके, अब समय लगता है खोलने का इसको। लॉक लग रखा है इसमें यार। यस यस यस, खुल चुका है, खुल चुका है। RPG इसके अंदर, नाइस। अब लगता है जो APC घूम रही है मेरे आसपास उसको हरा पाऊंगा मैं। 1 2 3, लेट्स गो। जा चुकी है APC ना हमारी। भाई अभी भी जिंदा है, मतलब जिंदा मतलब बची हुई है अभी भी। गन चाहिए मुझे वापस अपनी। पहले मुझे बंदे मारने पड़ेंगे यहाँ के, गाड़ी तो हम बाद में देखते रहेंगे। मुझे शायद से एक और रॉकेट लॉन्चर चाहिए होगा। मेरे पीछे ये भैया, एक और क्रेट है यहाँ पर, इसको खोल सकते हैं हम। RPG, नाइस नाइस नाइस। यस, फोड़ दिया मैंने टैंक को पूरे। टैंक नहीं है, कोई गाड़ी थी यहाँ पर जिसके ऊपर गन माउंट हो रही थी। ओ, एक कर ट्रक है इन लोग के पास। नेडीन वो रही हमारी, हमारी तो मतलब दोस्त तो अब रही नहीं शायद से वो, पर फिर भी हमारे संग तो है ही शायद से अभी भी वो। एमओ ख़त्म हो रही है मेरे पास, आखिरी बंदा बचा शायद से ये। ऑल राइट, नंदी भगवान के पास ही हूँ शायद से मैं। यस, चलो भाई घुमाते हैं इसको। हमसे नज़ारा तो हो रही है ये, पर काम तो करना ही पड़ेगा साथ मिलकर। अब देखते हैं क्या होता है। ओ, ये घंटी है नीचे, यहाँ पर घूम रही है। ये गेट है यहाँ पर कोई, भाई साथ तो रहना पड़ेगा अब, जब आ रखे हैं जंगल में, भरे जंगल में, साथ रहना ही पड़ेगा अब। इसने बोला कि इसकी प्रायोरिटी सिर्फ टास्क है एक, ना कि हम है ना कि सैम है, पर कोई बात नहीं, चलते हैं, साथ जाना ही पड़ेगा। ओ भैया, बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ओके, गेट हो चुका है बंद ऊपर का। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। बहुत ही गहरी गुफा जा रही है भाई, यहाँ तो कोई गुफा नहीं, यहाँ पर बन रहा है कुछ बहुत ही गहरा। नीचे क्या है यहाँ पर भाई? ओ, आवाज़ आ रही है बम फोड़ने की किसी की। लगता है वो लोग हम तक पहुँचने के लिए बम वगैरह फोड़ रहे होंगे यहाँ नीचे जाने के लिए। उनको लीवर वगैरह तो घुमाना आता नहीं होगा, क्योंकि गंवार लोग हैं वो, तो बम वगैरह फोड़ रहे होंगे वो। यहाँ पर भी होयसल एम्पायर के बहुत सारी चीज़ें बन रखी है, किंग वगैरह बन रखे होंगे शायद उन लोग के। ये क्या है? अच्छा, ये स्ट्रक्चर वही है जो हमको बाहर दिखा था नंदी का मिनीचर चीज में। ये नंदी भगवान हमको बाहर दिखे थे, हम भी इधर से चल के आए थे, तुम देख पा रहे हो। ये वो स्ट्रक्चर छोटे में बन रखा है भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क हो रखा है यहाँ पर। चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, यहाँ पर पूरी घास वगैरह उग रखी है यार। दोबारा आ जा रही है उन लोग की। ओ, क्या हो रहा है भाई, कर क्या रहे हैं लोग यार? पूरी बिल्डिंग गिरा देंगे नीचे ऐसे तो करके। उजाला आ रहा है यहाँ से कहीं से। ओ ओ, हाथी यहाँ पर एक।
बेचारा फंसा रखा है यहाँ पर यार, ये बच्चा शायद से हाथी का, ये वो लोग तोड़ फाड़ कर रहे होंगे ऊपर की ओर, बेचारा गिर गया यार ये नीचे। हमको मार ना दे बस, ये आराम आराम से बचाएंगे इसको। इसलिए बोलता कि बम वगैरह मत फोड़ो मत फोड़ो। बेचारे एक हाथी फंस गया यहाँ पर, होपफुली उसको कुछ ज़्यादा चोट पहुँचाई नहीं होगी। ओके, धक्का मार के हटाना पड़ेगा पिलर वाला। यस, ओ कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है हमको। अच्छा चलो, हमारे संग फ्रेंडली है फिलहाल ये। अमेजिंग, हाथी में घूम रहे हैं हम, वो भी एक केव के अंदर। वाओ भाई, क्या मस्त दुनिया बन रही है यहाँ पर तो। ओके, यहाँ पर डाली है एक, खाओगे आप इसको। यहाँ पर आम उग रखे हैं, लीजिए खाइए आम। गुफा के अंदर भी ऐसा हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था आज तक। क्योंकि तुम देख पा रहे हो उजाला आ रहा है यहाँ पर, हाथी रह रहे हैं यहाँ पर एक। तो जिस जमाने में एक एम्पायर होगा असली में, तो कैसा होगा यार ये। लीजिए छोटे हाथी जी। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। कौन सी जगह है ये, पूरा जंगल बस रखा है अंदर यार। ले कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं है हमको ये, पर कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह ले जा रहा है। बंदर जो हमको सुबह मिले थे, मतलब पिछली वीडियो मिले थे हमको जो शुरुआत में, वो भाग रही है ये। कहाँ भाग रही है ये। ओ पानी है यहाँ पर, स्विमिंग पूल हाथियों के लिए। और कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है ये, वो भी गुफा के अंदर यार, मुझे यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, पूरी फैमिली है यहाँ पर हाथियों की यार। और फाइनली हमने एक हाथी को अपनी माँ से मिला दिया है। चलो कुछ तो बढ़िया काम करा हमने यहाँ के, अभी तक एक ही और बढ़िया काम करा है हमने। और यहाँ ये है वो झरना जहाँ पर हमको दिख रहा था दूर से, हम वहाँ से आए ऊपर, उधर थे हम अभी। और वहाँ पर उजाला, ओ उजाला नहीं है तो पूरे का पूरा खुल रखा है हर जगह। पानी भी क्या मस्त दिख रहा है नीला रंग का, फ़ोटो खींचनी बनती है इन लोग की यार। अच्छा हमारी फ़ोटो खींचेंगे लोग, चलो कोई बात नहीं, नेडीन हमारी फ़ोटो खींचेगी। यस, ऐसे लगेगा कि हम उसको छू रहे हैं पर छुएंगे नहीं हम, अगर छुआ हमने तो ये अटैक करते हैं। इन हाथियों को अपने एनवायरनमेंट में रहने देते हैं और चलते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पर कोई टेंपल टाइप में है ना, हाँ कोई टेंपल जैसा है यहाँ पर। यहाँ पर क्रेट है उन लोग की दोबारा से, भाई पास है मतलब वो लोग मेरे। गन वगैरह ले लेते हैं, गन तो मेरे पास है फिलहाल, पर हैंड गन मेरे पास कोई नहीं है तो लेनी पड़ेगी। लगता है मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर रास्ता दिखा रहा है मुझे। ओह अमेजिंग जगह ये भी, इसकी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी यार। हर जगह जाके फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं, ताकि पता नहीं, अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा। जहाँ रास्ता मुझे ले जा रहा है मैं वहीं जाए जा रहा हूँ। वो रहे हमारे हाथी लोग नीचे, बाय बाय हाथी, तुम लोग को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग, पर आगे जाना पड़ेगा हम लोग को। इस गेम को खेलने से मुझे सच में मन कर रहा है वैष्णो घाट जाने का और हॉस्टल एम्पायर को एक्सप्लोर करने का। लेट्स गो। अच्छा ये जगह पहले बन रही होगी सारी, अब ये रास्ता टूट चुका है, पहले रास्ता होगा यहाँ पर। ओके लाइट दिख रही है हमको यहाँ पर, चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ क्या बन रखा है, ओ टेम्पल है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा। बहुत ही बड़ी सिटी बन रही है यहाँ पर नीचे, कोई ऊपर जाके देखना पड़ेगा मुझे कि क्या है यहाँ पर। ओ भाई यहाँ पर भी इन लोग के बंदे आ गए यार, मुझे तभी गुस्सा आते हैं इनको देख के। अच्छा खासा मोमेंट बन रखा था, तुम लोग को आना जरूरी था यहाँ पर। स्नाइपर लेके खड़े हैं उल्टा अपने यहाँ पर ये लोग, तो इन लोग के स्नाइपर से मुझे दूर जाना पड़ेगा। देख तो नहीं लिया ना, ओ देख लिया, तुम लोग मेरे हाथ से मर जाओगे। बम फोड़ रहे हैं यहाँ पर ये लोग, तोड़ेंगे क्या, इतना बड़ी सिटी मस्त बन रही है यहाँ पर ये लोग। अबे क्या ग्रेनेड लॉन्चर लेके आ रखा तू यहाँ पर, पागल है क्या। इस इंसान को कुछ समझाओ भैया, ये पुरानी सिटीज़ हैं, तोड़ेंगे क्या ये लोग इनको। और भी हैं, ओए कहाँ से छुपके वार कर रहा है मुझको, हट। सिटी तो बहुत ज़्यादा मस्त है पर सिटी एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी यार, इन लोग को मारना पड़ेगा पहले। इतने सारे जने तुम आए कैसे यहाँ पर, और तुमको एड्रेस कहाँ से मिला यहाँ आने का, पता कहाँ से चला कि तुमको यहाँ आना है। अच्छा इन लोगों ने तोड़ फाड़ करी होगी तब आए होंगे लोग नीचे। हम लोगों ने अभी तक कोई चीज़ तोड़ी नहीं अंदर जाने के लिए, हम लोगों ने या तो रास्ता खोला होगा या फिर गेट खोला होगा, कोई भी चीज़ हमने तोड़ी फोड़ नहीं करी अभी तक। मुझे दुख भी हो रहा है लड़ने में इन लोगों से, क्योंकि पुरानी जगह हमारी टूट रही है, बम फेंक रहे हैं लोग मेरे पागल है क्या तू यार। ओके फाइनली जा चुके हैं ये लोग। भाई ये जगह तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ पर गेट है एक, पर गेट देखने से पहले हम जगह देखेंगे यार थोड़ी बहुत। ये देखो तुम क्या मस्त सिटी है एकदम ना, बहुत ही मस्त है। गेट तो खोलना ही पड़ेगा, चलो खोलते हैं चलो इस गेट को।
ये रास्ता कहाँ जाता है देखते हैं। ऑल राइट, हम आ चुके हैं यहाँ पर, अपने मेन सिटी में आ गए हैं हम। टेम्पल हमको ये दिखा था ना, हम टेम्पल में आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। कूदना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि रास्ता तो हमारे पास है नहीं जाने का, तो कूद फांद के जाना पड़ेगा हमको आगे की ओर। यहाँ से निकले थे ना अभी हम, हमको जाना है वहाँ ऊपर। अच्छा शायद से उन लोगों ने तोड़ रखा है वो ऊपर। अच्छा धुआं निकल रहा है वहाँ से। अबे यार पागल है क्या ये लोग, उन्होंने पूरे का पूरा पहाड़ तोड़ रखा है यहाँ पर नीचे के आने के लिए। अभी कहूँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए यार, पुराने स्ट्रक्चर्स में टूट जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। यहाँ पर हॉइसलर एम्पायर में 11 किंग्स थे और उनमें से एक का हेड यहाँ पर गिर रखा है, कोई मूर्ति बनी होगी उनका हेड यहाँ पर गिर गया है। तो जब वसाब लोग नीचे आए होंगे ना यहाँ से तबाही तबाही करके बम वगैरह फोड़ के, तभी गिरा होगा यहाँ हेड भी। ओके ऑल राइट, हम आ चुके हैं फाइनली ऊपर। भाई ये जो जगह है ना इतनी अमेजिंग है ना जगह, ये मैं तो जगह ही देखे जा रहा हूँ भाई। यहाँ पर शिव जी भगवान की एक और मूर्ति बन रही है और उनके पास यहाँ पर गणेश भगवान या फिर कार्तिकी भगवान ने, मुझे पता नहीं है। अबे यार इन्होंने फिर से एंट्रेंस ब्लो कर दिया यार, बम फोड़ के अंदर चले गए लोग। गेट खोलना नहीं आता इन लोग को क्या, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, कहीं और एंट्रेंस देखनी पड़ेगी हमको। ये एक एंट्री दिख रही है मुझे जाने के लिए अंदर। धुआं धुआं कितना हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब आए थे वो लोग यहाँ पर, आए मतलब अंदर जा रखे हैं वो लोग, मिल सकते हैं मुझे कभी भी वो लोग। ओके हम आ चुके हैं और वो रहे वो लोग। ओ भाई दोबारा से फोड़ दिया इन लोगों ने, अरे पागल है क्या ये लोग थोड़े। यहाँ पर कोई छेद दिख रहा है, तुम देख पा रहे हो, इसके अंदर घुसना पड़ेगा मुझे, यहाँ से रास्ता हो सकता है हमारे जाने के लिए। जल्दी चलना पड़ेगा ऊपर। यस दोबारा से मुझे लग रहा है कि पानी यहाँ पर होना चाहिए नहीं था शायद से मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सीढ़ियाँ बन रही है यहाँ पर ना। ओके यहाँ पर गेट है कोई, चलते हैं इस गेट के अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओ भाई ये क्या रखा हुआ है, पढ़ तो मैं पाऊंगा नहीं, लोग को पुराने जमाने की भाषा में लिखा होगा ये। वो यहाँ पर क्या है, तबला शायद से, यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट रूम होगा ये। यहाँ पर वीणा रख रखी है, अगर मैं सच में जाता ना यहाँ पर, मैं सब चीज़ उठा के ले जाता संभालने के लिए, कलेक्ट करता मैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ दोबारा से तो आना हमारा होगा नहीं। ये क्या है भाई, गणेश भगवान की टस्क का शायद से भाई ये, और ये लोग कैरी कर रहे हैं इसको, इन पर धनुष चिपक रहे हैं, कैरी कर रहे हैं उसको। अच्छा ये बड़े बड़े जो फिगर बन रखे हैं वो किंग्स है सारे के सारे, 11 किंग्स थे और नीचे छोटे वाले किंग हैं, मतलब छोटे सिपाही हैं सॉरी। वही क्या लग रहा है यहाँ पर, अलग अलग और डिस्क जैसे हमको शेप मिले थे ना वही है यहाँ पर यार। कहीं पर हमको काउ दिखी थी, कहीं पर हमको आउल दिखा था, कहीं स्नेक दिखे थे, वही डिस्क है हमारे पास। डिस्क मतलब डिस्क के शेप में यहाँ पर कुछ बन रखे हैं। अच्छा जो गणेश भगवान हमारे पास थे हमेशा से वो यहाँ पर रख सकते हैं हम यार। ये देखो यहाँ पर फिट हो रहे हैं एकदम ये। ओ यस, तो लगता है क्लोई फ्रेजर के पापा यहाँ पर आए थे किसी जमाने में और उन्होंने अपनी बेटी के लिए भेजा था ये वाला गिफ्ट। इसके पापा इतनी दूर तक आ गए थे पर फिर भी बेचारे बच नहीं पाए, और वसाब अगर इसको ले लेगा तो हमको तो बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि इसके पापा बेचारे यहाँ तक आ गए थे और एक तरीके से हम इसके पापा का सपना ही पूरा करने जा रहे हैं। ये मेन टास्क हमारी नहीं है यहाँ पर, तुम देख पाओगे ये हॉइसलर किंग जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं टास्क को अपनी। भैया जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, जाने का मन तो मेरे कंडीरा पर जाना पड़ेगा। तो हमारे आगे गेट खुल चुका है वाला, चलते हैं इसके अंदर तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये पूरी एंट्री होगी यहाँ पर, टूट रही है पर एंट्री वाली। ओ भाई जब भी देख रहा हूँ इन चीज़ों को मेरा माइंड ब्लो हो जा रहा है, कैसे बताऊँ तुमको, शब्द में बता नहीं सकता मैं तुमको। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इन चीज़ों को देख के, मुझे पता है। यहाँ से ऊपर तुम चढ़ नहीं पाएंगे और ये जो स्ट्रक्चर बन रखा है मेरे आगे शिवलिंग लग रहा है मुझे ये, और यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि गेट टाइप में है एक। चलते हैं इसके अंदर ही और देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं हम। ओके यहाँ पर ये वाइंस हो रही हैं बहुत सारे पेड़ की, इनके बीच से निकलना पड़ेगा मुझे, सांस की भी कमी हो रही है यार, हटाना पड़ेगा इसको जल्दी से। जल्दी चलो ऊपर यार, जल्दी चलो ऊपर यहाँ से, सांस मेरी घुट रही है। ओके पहुँच चुका हूँ ऊपर मैं, और ऊपर वहाँ पर गेट लगा रखा है, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। तुमको लग रहा होगा कि पूरी जगह टूट रही है, टूटी फूटी सी है, किंग वगैरह कैसे जाते होंगे यहाँ पर जिस समय बनी होगी ना ये जगह उस समय पूरी कंप्लीट होगी ये जगह, कुछ भी टूटा फूटा नहीं होगा यहाँ पर उस समय। ओके मस्त जगह है ना ये भी, अमेजिंग। ओए क्या कर रही है ये, ऐसे प्रैंक पसंद नहीं है मुझे भैया बिल्कुल भी, बहुत ही भद्दा प्रैंक था ये, पर चलते हैं आगे की ओर और अब देखता रहूँगा मैं इसको कि मेरे संग कुछ दोबारा प्रैंक ना कर दे भाई ये। रस्सी फेंकते हैं और चलते हैं आगे की ओर। यस ओके फाइनली, ये बता रहा था तुम लोग को मैं, तुम लोग को लग नहीं रहा शिवलिंग जिसमें रखते हैं उस टाइप में लग रहा है मुझे स्ट्रक्चर वाला। यहाँ पर भी हॉइसलर किंग्स की फोटो बन रखी है यहाँ पर। रास्ता, ओ यहाँ पर है रास्ता जाने का। ओ दोबारा गुफा यहाँ पर जाने के लिए, बहुत ज़्यादा पतली गुफा है जाने के लिए, पर जाना तो पड़ेगा ही आगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जाना ऐसे।
यहाँ पर क्या है? My God. Oh. Are you seeing this? You know, at this point, I've run out of words. शिवजी भगवान की मूर्ति बन रही है यहाँ पर, इतनी बड़ी है एक भाई, और उनपे ऊपर से पानी आ रहा है और धूप भी आ रही है उनपे, और पुराने जमाने में बड़ा सा कोई पैलेस होगा यहाँ पर अंदर कोई, तुम देख पा रहे हो कि पूरा बन रखा है पैलेस टाइप में यहाँ पर। और ये सब देखने के बाद मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कुछ। और इस शिवजी भगवान की मूर्ति को एक्सप्लोर करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट करके बताना कि तुमको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा या फिर फेवरेट सीन कौन सा लगा तुमको आज की वीडियो में। मैं मिलूंगा तुम लोग अगली वीडियो में। पीस आउट। अमेजिंग गेम है, बहुत अमेजिंग गेम है यार, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। पीस आउट।